हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये लेड एसिड बैटरी जो अपने 4 वोल्ट की आती है, तो इसके अंदर दोस्तों अपने कोई 1.5 एम्पेयर है, कोई 1 एम्पेयर है, कुछ आधा एम्पेयर बैटरी है। जैसे कि इस पर आधा एम्पेयर लिखा हुआ है, 4 वोल्ट में आधा एम्पेयर, ये देखो दोस्तों। और ये वाली जो है ये 1 एम्पेयर में आती है, इस पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये वाली भी 1 एम्पेयर में छाती है देखो, और ये वाली भी 1 एम्पेयर के अंदर ही आती है। ये देखो दोस्तों, ये सारी की 4 वोल्ट में 1 एम्पेयर बैटरी देखो दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरे 1.5 बैटरी का है, और ये 1.5 एम्पेयर में आती है दोस्तों। ये देखो, इस पर 1.5 एम्पेयर लिखा है, 4 वोल्ट में 1.5 एम्पेयर, और इस पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पूरी बैटरी की है, तो ये बैटरी की पूरी डेड बैटरी की है दोस्तों। तो अपन एक 4 वोल्ट का इंडिकेटर लाइट ले लेंगे, जो LED लाइट जो चार्जिंग बताता है, तो इसको चेक करेंगे कि कौन सी बैटरी इसमें चार्ज है। और ये आ गया इसका प्लस, ये आ गया माइनस, और ये देखो दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बड़ी बैटरी से पास से शुरू करेंगे, 1.5 एम्पेयर की बैटरी। ये देखो दोस्तों, 1.5 एम्पेयर की अपनी बैटरी, ये इसका ये प्लस आ गया, ये देखो प्लस बाकी इधर का आ गया ये वाला, और ये माइनस आ गया देखो दोस्तों। अभी इसे लगा कर देखेंगे, ये देखो दोस्तों, ये एकदम डी में, और माइनस प्लस भी चेंज करके देख लेंगे इसका देखो, सभी डेड कंडीशन में चे। ये वाली भी देख लेंगे, और देख लो दोस्तों ये पूरे डेड कंडीशन में, सिर्फ अपना ये वाला बैटरी छोड़ा सही है। तो इस पर भी आपको इंडिकेटर चेक करके बता देती है, ये देखो दोस्तों, आप बोलेंगे ये इंडिकेटर बंद है करके LED, ये अपना ओके बैटरी के सिर्फ ये, और ये पूरे डेड है। तो इसको आज रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो अपने को सबसे पहले अपने को एसिड ले लेना है, एसिड वाटर 10 रुपये में आता है दोस्तों, 1 लीटर की बैटल लगती है। और अपने चार्जर बनाया हुआ है दोस्तों, ये अपने चार्जर से चलने के वास्ते, ये अपने डावेट लगाया है 4700, एक इंडिकेटर लगाया है, और ये माइनस और ये प्लस निकला हुआ है। ये अपने को चार्ज करने को, अपन चार्जर से चार्ज करेंगे दोस्तों, ये चार्ज से चार्ज करेंगे इसे। 2 एम्पेयर का चार्जर है दोस्तों, 5 वोल्ट में 2 एम्पेयर Realme का। चलो दोस्तों, सबसे पहले अपने को एक ग्लास ले लेना है, और ग्लास में अपना वाटर डाल देंगे, इस हिसाब से वाटर डाल देंगे, ये देखो दोस्तों। और एक एक करते अपन बैटरी में पानी डाल देंगे दोस्तों, एक इंजेक्शन ले लिए, और से सुई भी लगेंगे अपने, ये सुई आ गए। चलो दोस्तों, बैटरी को खोल लिए, यहाँ से खुल जाता है, और इसके देखो दो बुश निकल के, इसे दो बुश जितना इसमें डाटा बैंड के हिसाब से डालेंगे, वाटर बट लेंगे फिर उसको दोस्तों, एक बैटरी को फुल हो गई है, एक में आधा बैठता जैसे। अब इससे इसकी जो कैप है,
बाकी ऊपर आ रहा है ये पलटी कर देने के इसके अंदर पकड़ लिया था। ये देखो तो अपना बैटरी में पानी सही तरीके से नहीं गया, पूरा उड़ चुका है। ये देखो पूरा एयर पकड़ लिया तो पूरे बैटरी का पानी ये हो चुका है। ऐसा एक एक करते हुए दोस्तों पूरी बैटरी को जाता है, एयर पकड़ लेते हैं। ये दिख रहा क्या अपने को, एयर पकड़ लेते हैं हिसाब से इसे करते करते। पकड़ाना तो वापस प्रेशर मार देता है देखो दोस्तों पूरा तो दोस्तों अब इसकी पूंछ लगा लेंगे और पूंछ लगाकर दोस्तों ये चार्जिंग अपने मॉडल बनाया हुआ है। तो अभी आगे अपना माइनस 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 पर लगा देंगे। चलो दोस्तों डेढ़ एम्पियर वाली दूसरी बैटरी ले ली।
कर। सब बैठ वाटर में। अब ये जो चार्ज को लगाए दोस्तों तुमने, अब इसको 5-10 मिनट हो चुके होंगे, अभी इसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अपन अभी कितनी चार्ज हुई तो ये देख लेंगे, तो अपना इंडिकेटर ले लेंगे जो अपन ने सप्लाई निकाल लेंगे दोस्तों। देखो ये सप्लाई निकालने के बाद, और ये चार्जर में से निकलने के बाद में अपना इंडिकेटर कितना बताता है ये देख लेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक एक करके पूरी बैटरी चार्ज करना पड़ेगी, कम से कम आधा एक घंटे के ऊपर लगता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये 4 वोल्ट का LED है अपने पास, अब इससे निकाल कर देखेंगे। कम से कम आधा घंटा हो गया इसको चार्ज को, इससे निकाल देंगे कि जलता क्या। बारीक LED तो जल रहा था, ये आ गया इसका प्लस और ये आ गया माइनस। देखो दोस्तों